तो कैसे हो तुम लोग सब? आज हम लोग आए हुए हैं कैंट स्टेशन, और कैंट स्टेशन पे धूप बड़ी हो रही है भाई साहब। और हम आए हुए क्यों हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। कैंट स्टेशन कुछ इस तरीके से, सुबह के कम से कम, अभी सुबह तो नहीं हुई, खैर दोपहर ही होने वाली है, 11 बजे। और तुम लोग देख सकते हो बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। तो हम लोग आए हुए हैं किसने ये भी बताता हूँ, हम लोग आए हुए हैं एक तरीके से यहाँ आरिश को लेने, और आरिश के साथ हमारी अम्मी भी आ रही हैं। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि इंजन का काफ़ी शोर हो रहा है, जिसकी वजह समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या बोले क्या नहीं बोले, सन्नाटा हो रहा है। तो मैं देख सकते हो, और अभी बहरहाल ट्रेन आएगी वहाँ से, जब हमारी बात हुई उन लोगों से। तो एनी वेज तुम लोगों ने बताया चलूँ, कल परसों हम लोगों ने एक वीडियो डाली, इसका नाम है बदला का ट्रेलर इसे बोल दो। तो वो ट्रेलर बदला का डाला है, तो तुम लोग देख सकते हो, जाके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो अभी हम उसका एपिसोड एक तो तैयार तो कर दिए, लेकिन ये कि हमारा भाई हमारे साथ आ रहा है शूट करने के लिए, आरिश। तो भाई प्लेटफॉर्म वाले ने बता दिया रेलवे वाले ने कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है मुल्तान से आने वाली ट्रेन। तो अभी देखो हम लोग इसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आते हैं। ट्रेन में तुम लोगों को दिखाया था बड़े दूर से आ रही है, वो देखो वो दूर है एकदम, बहुत शायद तुम लोगों को दिख रहा हो नहीं दिख रहा, सामने से लाइटें चल रही है ट्रेन की, हमारी यही ट्रेन है जो आ रही है। और मैंने उन लोगों को बोला कि भाई हम लोग तो स्टेशन पे नहीं आ सके, हम लोग तो सो रहे हैं, तो वो लोग अभी नाराज़ हैं हम लोगों से, अभी हम लोग उनको सरप्राइज देते हैं। वो देखो मेरे पापा भी खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वो देखो ट्रेन का, ट्रेन देखो यार कब तक आती, धूप ने तेल निकाल दी है हमारा। जैसा कि देख सकते हो ट्रेन आ चुकी है, और अब पापा भी आ रहे हैं, मैं लेकिन यहाँ खड़ा हूँ कि मैंने उनको मना करा था भाई मैं स्टेशन पे लेने नहीं आया। देखो ट्रेन आ गई है, ये ट्रेन, ये देखो ये देखो, ये लोग बिल्कुल पगला जाएंगे मेरे को स्टेशन पे देख के। बात एक और कि हम लोगों को ये भी पता चले कि भाई बोगी नंबर 15 के अंदर ट्रेन है वो, अरे सारे विचार हैं। बोगी नंबर 9 आ गए, और ये बोगी नंबर 10। हमारे जो बंदे ना वो 15 के अंदर है, अब देखो किधर रहते हैं। इतना मैंने सोचा बोगी रुकेगी इस ब्रिज के पास भी, बस ये बोगी नंबर, बोगी नंबर ही लिखा हुआ है, बोगी नंबर 13 आ गई, ये 14, और 15 के अंदर या तो ये गेट पे खड़ा हुआ या तो कोई ना खड़ा हुआ। ये 15 में किधर खड़ा है, आरिश नजर नहीं आ रहा यार। यार मैंने देख लिया, अगर ये आरिश है ना तो मैंने देख लिया, मैंने देख लिया अगर आरिश है तो। दिख नहीं रहा यार, वाला थोड़ा ये सारंग से लगाया, और ये मुंह के अंदर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। तो भाई सीन कुछ इस तरीके का है कि हम लेके खड़े अपने हाथ में एक तौलिया, और हमें खड़े अपने घर में वॉशरूम के आगे। तो भाई सीन कुछ इस तरीके का है, हमने आरिश के साथ प्रैंक किया था, उसने हमारे साथ प्रैंक कर दिया, वो स्टेशन पे आया ही नहीं, हमने उसको बोला हम स्टेशन पे नहीं गए भाई तुम्हें लेने, तो उसने क्या करा स्टेशन पे आने से पहले ही ट्रेन एक जगह रुकती है, वहाँ से उतर के बस में बैठ के आ गया हम लोग घर।
अभी हमसे पहले ही पहुंचे हैं घर, तो हम क्या करें यार। अभी नहा रहा है, बाथरूम से बाहर आए तो हम खड़े में लेके अपने हाथ में लंबा सा देख सकते हो आप, तो अभी इंतजार कर रहे हो, ढोल बजा रहे हैं। हाँ भाई आप देख सकते हैं, नहीं देख नहीं सकते, बाहर आओगे तो देखेंगे, बाहर तो आ जाओ। एक भाई बादशाह सलामत मैं आ जाने बाहर। आए 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 लड़की अनजानी सी प्यारी सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी। अरे भाई 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 क्या भाई 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 देख सकते हैं हम इसको कितना प्यार कर रहे हैं। हाँ, ये स्टेशन से आ गया मैं बगैर बताए, लेकिन हम प्रैंक में प्रैंक हो गया हमारा, लेकिन फिर भी बंदा बहुत अच्छा है। हम इसको घर लेकर आए, कैसा लगा आपको कराची? ये हमारी अम्मी को छोड़ने आया है, इससे बढ़कर और क्या होगा। ये हमारी अम्मी अच्छा लगा, खर्चा करके इनके अम्मी को छोड़ दिया। वो क्या हमारे के लिए 3 दिन के लिए छुट्टी, 20,000 पे 3 दिन में लगा दे के लिए लगाया है भाई। अमीर बंदे हो, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोग हैं। तो भाई अपने भाई को नाश्ता वाश्ता करा के ट्राई किया, आज बिल्कुल शर हो गया। मजा आया कराची आके? सर्दी कैसी लग रही है कराची? सर्दी आई नहीं, गर्मी लग रही है। देखो ठंडे पानी से नहा गया, ये सब पूछे जा रहे हैं कि आप ठंडे पानी से क्यों नहा रहे हो। ठंडे भाई गर्मी है, ठंडे पानी से नहाते हैं, बता नहीं है। बड़े लोग बड़ी बातें, गजब बेइज्जती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, टाइम हो रहा है 2:34, 37 मिनट, और हमने आरिज को सुला दिया है बिल्कुल खामोशी से। हम देख सकते हो आप, ये पड़ा है सो रहा है, और वगैरह कमरे में अंधेरा अंधेरा कर दिया है। मैं देख रहा हूँ मूवी, और ठीक है, और चलो मिलते हैं, देखते हैं क्या करना है। 2000 years later, बाकी तुम अब हमें इजाजत दे सकते हो, क्योंकि हम कर सकते हैं अभी अपने व्लॉग को एंड। मौका अच्छा है, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ओके।